कल्याणी नगर पोषक कार एक्सीडेंट के बाद खुलासा हुआ है कि आरोपियों को बचाने के लिए ब्लड सैंपल की अदला बदली की गई थी। इस कदाचार की जांच के लिए जिस विशेष जांच दल का गठन किया गया था, उस दल के अध्यक्ष डॉक्टर पल्लवी सापरे पर पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं। इस मामले में राज्य के विरोधी पक्ष नेता विजय वडेट्टीवार ने प्रतिक्रिया देते हुए न्यायिक जांच की मांग की है। देखते हैं क्या है उनका कहना। पल्लवी सापरे की इंक्वायरी एक बात स्पष्ट है कि उनके ऊपर गंभीर स्वरूप के आरोप है। वो एक करप्ट अधिकारी करके उनके ऊपर जो कोई इंक्वायरी चली थी, शुरू हुई थी, मिरज गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल था तब वो कार्यरत थी। दूसरी बात कि जो अजय पिंगरे को बचाने, अजय तावरे जो वहाँ के डॉक्टर है, जो इसमें दोषी पाई गई है, जिन्होंने ब्लड का नमूना भी चेंज किया था, तो ऐसे अधिकारी को बचाने के लिए या इनको प्रमोशन के लिए, इनको डीन के पोस्ट पर नियुक्त करने के लिए जो आमदार सुनील टिंगरे ने पत्र दिया था, उसकी इंक्वायरी की बहुत जरूरत है। इसी के साथ अजीत दादा ने फोन किया, यह स्पष्ट हुआ है। अब फोन वो बचाने के लिए किया या कार्रवाई करने के लिए किया? अब दादा अजीत पवार कहते हैं पालक मंत्री कि हमने कार्रवाई करने के लिए और सच्चाई सामने लाने के लिए फोन किया, तो क्या सच्चाई सामने आई है? सत्य बाजू सामने आई है? जो ये सब प्रकरण में विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सिवा आरोपी को प्रोटेक्शन नहीं मिला है, ये स्पष्ट हो चुका है। ऐसे स्थिति में इनकी न्यायिक जांच होना बहुत अनिवार्य है। इनके ऊपर ये जितने भी डॉक्टर हैं, इनके ऊपर गंभीर स्वरूप के आरोप है, चाहे वो अजय तावरे हो, चाहे वो जो इंक्वायरी ऑफिसर करके नियुक्त किया पल्लवी सापड़े हो, ड्रग्स से लेकर तो ब्लड प्लाज्मा बेचने तक ऐसे गंभीर अधिकार आरोप होने वाले ऑफिसर के माध्यम से चौकसी होना यह उचित नहीं होगा। ये प्रकरण को दबाए जाने की ये इनकी मंशा दिख रही है। इस स्थिति में न्यायिक चौकसी हो, यही एक रास्ता है। और फिर से हम मांग करते हैं सरकार से, अगर तुम्हारे में थोड़ी ईमानदारी बची है, इस प्रकरण में अगर आपको सत्यता सामने लाकर कार्रवाई करनी है, तो न्यायिक जांच के आदेश त्वरित दे, तो दूध का दूध पानी का पानी होगा।